हर एक व्यक्ति के लिए ताली बजाना चाहूंगी जो इस सभा में उपस्थित हुए हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि जब हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में अपने आस्था की लड़ाई चल रही थी तो आप लोग जो है घरों में बैठे नहीं हैं। आप लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र है कि नहीं। और इसके बाद कल मैं जो रैली में शामिल हुई थी उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या देखी थी। आज की रैली में भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो महिला पुरुष मिला के सभी महिलाओं के लिए ताली बजाएंगे। पहली बार मैंने महिलाओं को स्वेच्छा से घर से निकलकर सड़क की लड़ाई लड़ते हुए देखा है। पहली बार कह रही हूँ मैं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो कुछ महिलाओं से बातचीत भी हुई थी हमारी रास्ते में। मैं पतरा टोली से लेकर रायकेरा तक पदयात्रा की थी, उस वक्त जब लोरो घाट पे हमारे लीडर्स को पुलिस ने रोक लिया था, तब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ बड़े लीडर्स नहीं है तो हम कैसे संभालेंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उस भीड़ में हर एक व्यक्ति उस रैली को आगे बढ़ा रहे थे, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या छोटे बच्चे हो। एक छोटी बच्ची थी जो झंडा लेकर चल रही थी और देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वैसे तो मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा की थी इस देश में मोहब्बत का संदेश फैलाने के लिए, लेकिन हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही जिले में, हमारे ही घर में लोग नफरत फैला रहे हैं। तो कैसे हम घर में चुपचाप बैठ सकते हैं? आप बैठ सकते हो क्या? नहीं। आप बैठ सकते हो क्या घर में? नहीं। इसीलिए घर से निकलना पड़ा सबको। पहले दिन मैं थोड़ा सा लेट हुई थी, लेकिन फोटो वीडियो देख देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि कब रैली में पहुंचूंगी। हमारे साथ एक बहन है आभा, उनको देखा मैंने वीडियो में, एकदम मुस्तैदी से आगे चल रही थी। उनका जोश देखकर मुझे भी लग रहा था कि गाड़ी कब पहुंचेगी मेरी रैली तक। तो आप लोगों का जोश और जज्बा जो है ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मीडिया के भाई बंधु सिर्फ दो चार को छोड़कर कोई भी इस रैली को कवर नहीं कर रहा है, तो हमारे जो सोशल मीडिया के भाई बंधु हैं वो लोग आप लोगों की बात को पूरे प्रदेश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत है जो हम यहां तक पहुंचे और आज हमारे लीडर्स जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देके आए हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं हमेशा आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि इस एकता को बनाए रखिएगा। अगर आपकी एकता है तो कोई भी सरकार हो वो घुटने टेकेगी, वो झुकेगी और रायमुनि भगत ईसाई समुदाय से माफी मांगेगी। आप लोग चाहते हैं माफी? नहीं। जोर से कहिए, रायमुनि भगत इस्तीफा दो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जात पात पर लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जात पात पर लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। निम्हा जोश और जुनून साबित नंजिचा किशन जो भी बर्नर ना बहुत जबरदस्त सभा में संबोधित करना। इबड़ा न्याय नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग उम्मीद लेके न्याय यात्रा, और ये यात्रा को मैं बोलूंगा बहुत ही सफल रहा। और हमें विश्वास है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे विधानसभा के विधायक माननीय श्री विष्णु देव साय जी जरूर इस तथ्य को संज्ञान में लेंगे और हम जशपुर वासियों के साथ घटना घटी वहां पर दुखी थे, हमारी भावनाओं जो आहत हुई है उसको देखते हुए हमें न्याय जरूर देंगे।
की इस यात्रा को जिला प्रशासन की ओर से कई जगह रोकने का प्रयास किया गया। आप एक जिला अध्यक्ष हैं, क्या दबाव रहा आपके ऊपर? जी, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम लोग शासन और प्रशासन दोनों से लड़ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को बड़ी दबाव था, क्योंकि कोई प्रशासन शासन के हिसाब से चलता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग हम लोग कुछ कार्यक्रम को विफल करने का कोशिश किए, लेकिन हमारे समाज के या युवा वर्ग बोले या तो माता या पिता भाई बहन सभी लोग ने सकारात्मक विचार लेके आगे बढ़े और अंततः आज हम लोग प्रज्ञा पहुंचने में सफल हुए और ज्ञापन हम लोग सौंप दिए हैं और निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इतना लंबा यात्रा प्रशासन की ओर से कई बार कहा गया कि यह शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हो सकती, पर आज यह यात्रा पूरी तरह से शांति ढंग से हुआ है। आप ईसाई समुदाय को किस अंदाज से देखते हैं कि ये हिंसक है क्या कि इन्हें जगह जगह पर रोकने का प्रयास किया गया? जी, एक चुनौती था यहाँ पे कि प्रशासन मतलब एकदम से उनको नकारा भी नहीं था, कहीं ना कहीं उन लोग भी सहयोग रहा, अन्यथा हम लोग यहाँ तक बहुत बड़ा संभव नहीं था, उनकी भी मजबूरी थी। हम लोग सब चीज को देखते हुए समझते हुए लोग आगे बढ़े और मैं निश्चित रूप समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसका श्रेय देता हूँ, क्योंकि वास्तव में हमारा समाज की वो जो तथ्या थी उनकी जो तबियत थी उससे बहुत ही आहत है और सब न्याय की उम्मीद में है और न्याय के लिए सड़क पर उतरे हैं और हम जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी, अभी एक उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगी, यदि अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायालय के शरण में जाएंगे। आज हमारे बीच में आशिका कुजूर जी भी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान की यात्रा में चली थी और आज वो हमारे बीच में है। उस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं और जो आज आपके गृहजिले में जो यात्रा हुई, इस यात्रा में दोनों में फर्क क्या रहा और आप हमारे ईसाई समुदाय को क्या समझते हैं? वो यात्रा थी मोहब्बत फैलाने की यात्रा जो हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। वहाँ हमें लोगों का अपार समर्थन मिल रहा था और यहाँ जो आस्था से लेकर बगिया तक ईसाई धर्म महासभा ने यात्रा की थी वो नफरत को मिटाने की यात्रा थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी विधायक आदरणीय रायमणि भगत जी जो अपने भाषण में अक्सर ये कहती है कि धर्मांतरण की वजह से जशपुर में ईसाई 2 लाख से ज्यादा हो गए, तो ये जो 2 लाख की संख्या वो कह रही है इतने तो शायद उनको वोट ही मिले होंगे, तो वो ये खुद से बता रही है कि ईसाई समुदाय के वोटर्स भी हैं जिन्होंने उनको विधायक बनाया है और आज वो उन्हीं समुदाय को अनर्गल टिप्पणी कर रही है, उनके बारे में अनाप शनाप कह रही है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रही है। रायमुनि भगत जी होश में आइए और आप अपने समाज के लिए अपने आसपास के आदिवासी जो लोग हैं अपने परिवार के लोग हैं आप उन्हीं को ठेस पहुंचा रही है। जल्द से जल्द ईसाई आदिवासी समाज से माफी मांग लीजिए, अन्यथा आज जो ये रैली 3 दिन में देखने को मिली है शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली उग्र भी हो सकती है, ये लोग और भी आक्रोश में आ सकते हैं, तो ये आपके से विनम्र निवेदन है कि ईसाई आदिवासी समाज से जल्द माफी मांगे। हमारे जिला अध्यक्ष से हम ये जानना चाहेंगे कि आंदोलन बहुत ही शांतिप्रिय रहा है और आज आप अपने ईसाई समुदाय को आगे के लिए क्या अपील देना चाहेंगे कि अभी भी जिसको जब शांति पे जिला है यही शांति बना रहे? बिल्कुल निश्चित तौर में है ना, शांति बना रहे इसी में हम सबकी भलाई है, ऐसे कुछ भी ना करें या जाति धर्म की बात ना करें जिससे किसी को आहत हो, किसी जाति विशेष को आहत हो, किसी धर्म विशेष को आहत हो, तो ये सब चीजें एक खासकर विशेषकर वो जनप्रतिनिधि थी उनको इस टाइप की बात रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा जशपुर जिला जो है ना सभी जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं बहुत मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। जैसे कल प्रशासन द्वारा जो प्रशासन ने कहा था कि कुछ समुदाय विशेष वहाँ पे एकत्रित हो रहा चले डाड़ में, कहीं ना कहीं उनको दबाव था लेकिन मुझे नहीं लगता था कि हमारे बीच में कभी कुछ ऐसा होगा, विरोध करने का सबको अधिकार है ना, मेरे को पूर्ण विश्वास था कि हमारे जशपुर जिला में इस टाइप का नफरत की राजनीति या आपस में हम सभी को आपस में लड़वाने का स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, आप सभी ने हमारे जिला अध्यक्ष श्री वाल्टर कुजूर जी को भी सुना है और हमारे बीच में आशिका कुजूर जी ने भी सुना है और इनके द्वारा यही अपील किया जा रहा है कि जशपुर जिला शांतिप्रिय जिला है, सभी धर्म जाति के लोग इसे बनाए रखें,
साथ ही जिला प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा, जिसके माध्यम से ये कई जगह रुकावट जरूर हुई, बस यात्रा कहीं बाधित नहीं हुई, यात्रा निरंतर चलती रही। तो इसके लिए जिला प्रशासन को भी जिलाध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद दिया जा रहा है और यही अपील है कि कोई भी शांति भंग ना करे।